हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र की छठ पर फतेहगढ़ के जयनारायण वर्मा रोड स्थित गमा देवी मंदिर पर मेला लगा। सुबह होते ही मंदिर के बाहर झूले वालों ने अपने झूले लगा लिए थे, वहीं ठेले व दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें सुबह से ही सजा ली थी। मंदिर में प्रातः से ही महिलाओं का पूजन अर्चन के लिए आना जाना शुरू हो गया। बच्चों ने यहाँ खूब झूले का आनंद उठाया। देर शाम तक मंदिर के बाहर मेला लगा रहने से काफ़ी रौनक बनी रही। मानता है कि चैत्र नवरात्र के छठ वाले दिन ही माता की प्रतिमा एक पुराने कुएं से अंदर यहां पर प्रकट हुई। इसी कारण यहां चैत्र नवरात्र की छठ को विशाल मेले का आयोजन होता है, तभी से माता गमा देवी मंदिर यहां पर स्थापित है। बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर दरबार में पहुंचते हैं और माता अपने भक्तों की मुराद पूरी करती है। आपको बताते चलें, 2 साल से महामारी के कारण मेला नहीं लग सका, पर इस वर्ष मेले में रौनक देख भक्त झूम उठे। इस मेले में आज के दिन श्रद्धालुओं के द्वारा मन्नत पूरी होने पर विशाल सुसज्जित ध्वज माता के मठ पर भी चढ़ाने का पुराना इतिहास है। आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। देखिए फतेहगढ़ गमा देवी का पूरा नज़ारा हमारे चैनल पीपीएफ लाइव। अच्छा, ये मंदिर की देखभाल कौन करता है? बाबा जी हैं। अच्छा, स्वामी गंडी महाराज जी हैं आश्रम। अच्छा, माता की यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत से माता है और छठी मेले दिन यहाँ पर छठे का झंडा चढ़ता है। ये छठ का जो मेला लगता है वो हर साल लगता है? हर साल लगता है। अभी अभी कितने दिन के बाद लगा? ये 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल बाद लगा। 2 साल के बाद लगा।